हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको बताया, हमारे देश में विस्की को लाने वाले अंग्रेज थे, लेकिन सन 1820s में यानी ब्रिटिश राज के दौरान लाई हुई विस्की भारत के मन को ऐसी भा गई कि 2019 में इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट स्कॉच विस्की मार्केट बन गया, जिसका वैल्यू बाय द वे 166 मिलियन पाउंड यानी कि 1000 करोड़ रुपीज हो गया था। और आज इंडिया ही दुनिया का बिगेस्ट विस्की मार्केट है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के टॉप 5 में आने वाले रॉयल स्टैग की बात करूं, इन्होंने 2019 में 22 मिलियन केसेस अकेले बेच लिए थे, और इसके यूजुअली एक केस में 12 विस्की की बोतलें आती हैं। तो आगे आपको बताया क्या करना है, 22 मिलियन में 12 गुना ठोक दो, उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि विस्की ऐसा कैसा अमृत है जो इसके इतने दीवाने परवाने बनकर लोग बैठे हैं। आखिर विस्की में ऐसा कौन सा नशा है और उस नशे का क्या मैकेनिज्म है जो हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है कि हम इंडियंस सिर्फ विस्की बेचने में ही आगे नहीं आते, बल्कि विकिपीडिया और आर्टिकल्स में मिले डेटा के अनुसार इंडियंस विस्की पीने में भी सबसे आगे आते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो टाइटल्ड हाउ विस्की इज मेड इन इंडियन फैक्ट्रीज, और जानते हैं विस्की मेकिंग की उस प्रोसेस के बारे में जिससे बने विस्की की बूंद बूंद लोगों को मदिरा का अमृत लगती है। सो फ्रेंड्स, इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज को किसी न किसी ने बनाया है, लेकिन इस दुनिया में विस्की का इन्वेंटर कौन था ये तो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। कैन यू बिलीव दैट? पर एंशियंट हिस्ट्री से मिले सूत्रों के अनुसार ये जरूर पता चला है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जिससे विस्की बनती है उससे 700 से 800 बीसी के दौरान चाइना में राइस प्राइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और कई लोग इसे बनाने का क्रेडिट मंक्स को देते हैं, जहां से मंक्स के जरिए ही विस्की स्कॉटलैंड पहुंच पाया और सेंचुरीज तक सबसे बड़े विस्की प्रोड्यूसर का खिताब स्कॉटलैंड अपने नाम करता रहा। पर फिर 1820s में ये इंडिया पहुंचा और 2017 के डेटा के मुताबिक 48% विस्की यानी बिलियन लीटर्स विस्की इंडिया में उस साल कंज्यूम हुआ था, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ 770 लाख लीटर और यूएसए में 4620 लाख लीटर विस्की को कंज्यूम किया गया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शायद विस्की आज दुनिया भर में बाकी नशीली चीजों की तरह बन चुकी होती अगर इसमें मेडिकल लूप होल ना होता। मतलब एक जमाने में डॉक्टर्स इसे एक दवा की तरह लोगों को प्रिस्क्राइब करते थे, और आज भी एक शॉट ऑफ विस्की रोज लेने से इंसान के स्टेंट यानी आइसकेमिक पैरालिसिस के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये एक पेन किलर और स्ट्रेस लीवर की तरह भी काम करता है। साथ ही कैंसर से लेकर स्ट्रोक और हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी भी विस्की पीने वालों में ना पीने वालों के मुकाबले कम हो जाती है। लेकिन ये सब क्यों और कैसे होता है ये अगर मैं आपको बताने लगा ना तो पूरी वीडियो इसी पर बन जाएगी, और इसीलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। पहले विस्की मेकिंग को सीखते हैं और फिर बाद में इसके हेल्थ बेनिफिट्स को गूगल करते हैं। तो अब विस्की मेकिंग के लिए 7 स्टेप्स की जरूरत होती है और उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता है ग्लेनविन स्पेशल लिकर विस्की के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे ओल्डेस्ट विस्की होने का किताब है। और हो भी क्यों ना, इनके पास जो विस्की है वो 160 साल पुरानी है, जिसे 20 लाख रुपए से भी ज्यादा में बेचा गया था। मतलब एक बॉटल विस्की का 20 लाख कौन खरीदा होगा। और विस्की की यही महंगाई तो सबसे बड़ी वजह है कि आज इंडिया में 1000 करोड़ से ज्यादा का विस्की का मार्केट वैल्यू है। सो भाई लोग, सबसे पहले विस्की बनाने के लिए आपको चाहिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स, मतलब पानी, ग्रेन्स और यीस्ट। अब कौन कौन से ग्रेन इसमें पड़ते हैं ये तो आप किस तरह की विस्की बना रहे हो इस पर निर्भर करता है। जैसे सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए सिर्फ बार्ली का ही इस्तेमाल होता है, स्कॉच ग्रेन विस्की में कॉर्न और वीट का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर बोर्बन विस्की को बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 51% कॉर्न इस्तेमाल करना होगा, और अगर राई विस्की बनानी है तो 51% राई जरूरी है। अब क्योंकि विस्की एक गेलिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ, तो पानी तो इसमें ऑब्वियसली सबसे जरूरी है, और इसीलिए दुनिया की ज्यादातर विस्की मेकिंग फैक्ट्रीज नेचुरल वाटर बॉडीज के आसपास ही होती है, जिनसे फैक्ट्रीज को हाई मिनरल और क्लीन और क्लियर पानी मिलता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बायनमो, और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा, एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो।
इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड Binomo now, link is in the description. I am a Binomist, are you? अब जब हमने इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं विस्की बनाने की प्रोसेस के साथ। तो विस्की मेकिंग का सबसे पहला स्टेज है मॉल्टिंग। इस स्टेज में देश और दुनिया के कोने कोने से आए हुए A1 क्वालिटी के बार्ले, वीट, मेज, राय और कॉर्न को 12 घंटों के लिए पानी में डुबोकर सोक किया जाता है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकालते हैं। लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें एक बार फिर से 14 घंटे के लिए पानी में सोक कर सके। इसके बाद इन ग्रेन्स को सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे इन ग्रेन्स में एंजाइम प्रोड्यूस हो सके, जो आगे आने वाले मैशिंग स्टेज में स्टार्च को सल्यूबल शुगर में बदलने में मदद करे, और इसे माल्टोस कहते हैं, जो विस्की बनाने का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। पर मैशिंग स्टेज से पहले हम माल्टिंग स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो सुखाने की ये प्रोसेस 4 से 9 दिनों तक चलती है, जिसके बाद आता है विस्की बनाने का दूसरा यानी किलनिंग का स्टेज, जिसमें सूखे हुए ग्रेन्स को और अच्छी तरह से सुखाने के लिए किलनिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वुड कोल और तरह तरह के पीट, जो कि एक तरह के घास और मिट्टी के मिश्रण की मदद से इन ग्रेन्स में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन्हें सुखाते वक्त भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि गर्मी 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ जाए और ग्रेन्स के एंजाइम्स खत्म ना हो जाए। फिर वुड कोल से निकलने वाले धुएं से ये परफेक्टली सूखते हैं, और इनके अंदर परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर आया है या नहीं, ये जानने के लिए यहाँ पर एक मशीन में थोड़े थोड़े से ग्रेन्स लेकर उन्हें टेस्ट किया जाता है, और अगर ये टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इन्हें नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाया जाता है, जिसका नाम और कुछ नहीं बल्कि मिलिंग है, जहां इन इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड किया जाता है यानी पीसा जाता है। लेकिन ग्रेन की पिसाई से पहले इस स्टेज में मशीन से स्टोन वगैरह को, जो विस्की की क्वालिटी और टेस्ट को डाउन मार्केट कर सकते हैं, निकाला जाता है, जिसके बाद इससे विस्की की जरूरत के हिसाब से मोटा या पतला पीसा जाता है, और इन इंग्रेडिएंट के आटे का रेशियो 70% ग्रिट, 20% हस्क और 10% फ्लावर होता है, जिसकी वजह यही है अगर इंग्रेडिएंट ज्यादा पतला हो गया तो नेक्स्ट स्टेज में मिलाए जाने वाले पानी को वो रोक नहीं पाएगा, पर अगर वो मोटा रह गया तो भी वो सारा पानी सोख कर रोटी बनाने वाला आटा बन जाएगा, जिससे विस्की ऑब्वियसली विस्की नहीं रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे विस्की के मेकिंग की 4th स्टेज की, तो इस स्टेज का नाम है मैशिंग, जिसमें पहुंचने पर जैसे मैंने बताया था इसमें पानी मिलाया जाता है, जो बहुत गर्मा गर्म यानी 67 डिग्री सेल्सियस से शुरू होके बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है। और तो और ये एक बार में नहीं होता, इस प्रोसेस में अलग अलग टेम्परेचर पर पानी को 3 से 4 बार ऐड करके मैशिंग की जाती है। पर पानी को बार बार अलग से ऐड करने की जरूरत ही क्या है? वेल, पानी को इस तरह से ऐड करने की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टार्च के एंजाइम्स खत्म हो सकते हैं, और एंजाइम्स खत्म तो सल्यूबल शुगर माल्टोस नहीं बनेगा, जो मैंने अभी ऊपर ही कहा था, और अगर वो नहीं बना तो नेक्स्ट स्टेज में स्टार्च का ये शुगर जिससे अल्कोहल बनता है, वो अल्कोहल कैसे बनेगा? और आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए एक और एक क्विक फैक्ट, विस्की मेकिंग में ऑलमोस्ट ना के बराबर वेस्टेज होता है, मतलब इस स्टेज से बाहर आए स्टार्च को फेंकने की बजाय जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि इस स्टेज तक विस्की बनाने की शुरुआत नहीं हुई होती और इसे जानवर खा सकते हैं। अब हो जाइए होशियार, क्योंकि अब आने वाला है वो स्टेज जहां विस्की के बनाने की असल प्रोसेस शुरू होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी स्टार्च और पानी को अलग करने के बाद वॉट यानी जो पानी बाहर आता है उसे पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद उसमें यीस्ट डालकर उसे सड़ाया जाता है, या फिर साइंटिफिक भाषा में कहे तो फर्मेंट किया जाता है, और इसी सड़ाने वाले प्रोसेस में ग्रेन्स में मौजूद शुगर को यीस्ट अल्कोहल में बदलने लगता है। पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अब बारी है डिस्टिलेशन प्रोसेस की, जो हमारे विस्की बनाने का 5th स्टेज है, और इसे आप बाय द वे विस्की मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज भी बोल सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में फर्मेंटेड विस्की मिक्सचर को ऐसे कॉपर पॉट्स में पानी को उबलने के लिए जरूरी हीट से कम हीट पर उबाला जाता है, जिससे जो इथेनॉल यानी जो अल्कोहल बना हुआ है वो पानी और फ्लेवर्स के साथ भाप बनकर कॉपर के पॉट में ऊपर जाता है, और ऊपर उठने के बाद ठंडी हवा के कॉन्टेक्ट में आके भाप जैसे ही कंडेंस होना शुरू हो जाता है, वो पानी में बदलकर कॉलम से नीचे आ जाता है, और बस
विस्की तैयार, जिसके बाद विस्की को बाहर निकाला जाता है। और अगर विस्की में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो इसमें पानी मिलाकर इसे कम किया जाता है, यानी 40% से 60% ABV, जिसे अल्कोहल बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, उस लेवल तक लाया जाता है। और फिर ओक वुड से बने हुए और अंदर से जले हुए बैरल्स में इस विस्की को भर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेज, यानी मैच्योरेशन स्टेज, जो स्कॉटलैंड के लॉ के मुताबिक देखा जाए तो एटलीस्ट 3 साल तक का हो सकता है। पर क्योंकि हमारे भारत देश में विस्की मैच्योरेशन के लिए कोई लॉ नहीं है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे इंडियन विस्की ब्रांड्स हैं जो डिस्टिलेशन स्टेज के बाद विस्की को बॉटल में भरकर अपने नजदीकी बार पर पहुंचा देते हैं। लेकिन वही रॉयल स्टैग जैसा ब्रांड है जो स्कॉटलैंड की तरह अपने विस्की को इंटरनेशनल फ्लेवर देने के लिए 3 साल मैच्योरेशन के लिए साइड में रख देता है, और इस दौरान विस्की और बैरल के ओक वुड में होने वाले केमिकल रिएक्शन से भी विस्की को एक स्ट्रॉन्ग वुडी फ्लेवर मिलता है, जिसके बाद इन्हें निकाल कर बॉटल में भर दिया जाता है और बॉटल पर लेबल चिपकाया जाता है। एंड डन, आपकी रॉयल स्टैग आपके घर आंगन में प्रवेश हेतु तैयार हो जाती है। अब फ्रेंड्स, जब इंडिया के टॉप विस्की ब्रांड रॉयल स्टैग की बात निकल ही चुकी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सन 2019 में 22 मिलियन केसेस की बिक्री करने वाले इस ब्रांड की शुरुआत सन 1995 में हमारे इंडिया से हुई थी, जो आज दुनिया भर के कई देशों के देशवासियों को विस्की पिलाता है। यही नहीं, रॉयल स्टैग यानी अपने सिंहों के लिए जाने वाले हिरन के नाम से इंस्पायर्ड नाम है। ये पहला ऐसा विस्की ब्रांड है जो बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स और इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्स का परफेक्ट ब्लेंड लोगों तक पहुंचाता है, जिससे कस्टमर्स को स्मोकी फ्रूटीनेस और लीफी अरोमा वाला विस्की मिले। और 42.8% ABV वाला ये विस्की ब्रांड इंडिया का वो डिलक्स ब्रांड है जो 1000 रुपए के अंदर लोगों को इंटरनेशनल क्वालिटी का लुफ्त देता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नेशनल हो या इंटरनेशनल, विस्की 100 सालों से भी ज्यादा तक रखने के बाद भी खराब नहीं होती। लेकिन जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उतना ज्यादा उसका दाम भी बढ़ता है। अब भाई लोग, मार्केट में ना आपको टिफ करना था, और यही आज भी इन ड्रिंक्स को बनाने का रीजन है। बट गॉड नोज इसके पीछे कितनी सच्चाई है और क्या इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्चेस की भी गई है। तो भाई लोग, आप मुझे बताओ यार, अगर आपको मौका मिले तो क्या आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। क्यूरियस रहने का, सीखते रहने का और ग्रो करते रहने का। जय हिंद।